Right. So, welcome to Kiwa Kaipo Industries, ladies and gentlemen. This is Dharinder Singh from Kiwa Industries, head office Ludhiana. Dosto, aap sabhi ka bahut bahut swagat hai aaj ke is shandar session mein. Dosto, aaj ka jo hamara session hai, jaise ki hum sabhi jante hain ki Kiwa Deals app ke upar kuch nayi updation hum aapke liye leke aaye hain. जो कि हमारे सभी लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है. तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, राइट, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो डायरी पेन साथ में लेके बैठिएगा ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो जाए. तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, आज हम कीवा डील्स ऐप में जो न्यू अपडेशन हमारे पास आई है, तो दिस इज अ मस्ट वॉच वेबिनार. और अगर आपकी टीम से कोई पर्सन रह गया है जुड़ने के लिए तो जल्दी से जल्दी उनको शेयर कीजिए ताकि सभी को आसानी से पता चल सके कि क्या क्या जो अपडेशन है वो आज हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिल रही है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमें यहाँ पे क्या कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है. तो दोस्तों पहली चीज कि कीवा डील्स ऐप है क्या, जो हमारे यहाँ पे जो नए जो लोग हैं, जो कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास यहाँ पे आए हैं जिनको नहीं मालूम है, तो उनकी जानकारी के लिए दोबारा से बता दूं. तो दोस्तों जैसे कि आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, डोमिनोज से कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं, होटल्स की बुकिंग करते हैं, कपड़े वगैरह कुछ भी मंगवाते हैं, कपड़े जूते घड़ियां मोबाइल फोन कुछ भी मंगवाते हैं, राइट. तो अब अगर आप यही सभी चीजें अगर आप कीवा डील्स ऐप के जरिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करनी शुरू कर देंगे तो आपको बिजनेस पॉइंट और परचेज इंसेंटिव मिलता था. ये हमें चीज मिलती थी, हम सभी जानते हैं, राइट. Amazon, Flipkart से हम सभी शॉपिंग करते थे तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता था. आइए यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कुछ करना पड़ता था. तो दोस्तों इस वेबसाइट का उपयोग क्यों करें, आइए इसके बारे में यहां पे हम जानने की कोशिश करते हैं. इस वेबसाइट का उपयोग हमें क्यों करना चाहिए. दोस्तों अगर आप इस वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो आप खरीदारी करते समय भी कमा सकते हैं. जब भी कुछ भी खरीदारी करते हैं तब आप कमा सकते हैं, यानी कि कुछ भी ऑर्डर, आपने पिज्जा मंगवाया, आपको उसका बीपी और परचेज इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा. आपने कुछ भी खरीदारी की, तो अगर आपने होटल बुकिंग की, आप ऑलरेडी कर रहे थे, ऑलरेडी आपके आस पड़ोस के लोग यही चीजें करते हैं, तो हमने सिर्फ उनके साथ ये चीजें शेयर करनी है और आपका जो रैंक है वो वहां पे बढ़ना शुरू हो सकता है. भारी डिस्काउंट से आप खरीदारी कर सकते हैं. बहुत सारे ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जो शानदार डिस्काउंट है वो कीवा डील्स के जरिए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं. एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जो पोर्टल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कीवा डील्स के लिए. देखिए पहले क्या होता था, हम अपने मोबाइल फोन में अलग अलग जो एप्स है वो डाउनलोड करते थे, Amazon, Flipkart, Myntra, Shopnews.com, Domino's, KFC. तो जहां से भी हमने कुछ भी मंगवाना होता था तो हमें अलग अलग जो एप्स है वो हमें डाउनलोड करनी पड़ती थी. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अपने मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है आपको उसको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट आपने एक सिंगल ऐप कीवा डील्स ऐप को आपने डाउनलोड करना है, उसके अंदर ये सभी सारी जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी. हम आज आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी शो करेंगे, हर एक चीज आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी शो करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं और दोस्तों हर खरीदारी पे कमाई कर सकते हैं. जो भी कुछ आप खरीदा रहे हैं, जो भी कुछ आपने खरीदा है उसके मूल्य पे, उसके एमआरपी पे 1 से लेकर 15% तक जो बीपी है और सेल्फ परचेज इंसेंटिव है वो आप प्राप्त कर सकते थे. पहले ये हमें चीजें मिल रही थी, ये चीजें भी मिल रही हैं, अभी भी मिल रही हैं, और क्या क्या चीजें मिल रही हैं इसके बारे में भी हम आगे चल के यहाँ पे बात करने वाले हैं. अब बात करते हैं ये काम किस प्रकार करता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार काम करता है. तो दोस्तों पहले जैसे कि हमें बताया गया था कि 100 RP की कीवा रिपर्चेज किट हमें खरीदनी पड़ती थी, यही चीज था. तो बहुत सारे लीडर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसके बारे में बात की, हमारे साथ बात की, टीम मैनेजमेंट के साथ बारे में बात की, तब हमारे सीईओ डॉक्टर करण गोयल जी ने एक बहुत ही शानदार फैसला लिया
कि अब आपको ऐसा कोई भी किट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको कोई 2000 रुपए की रिपर्चेज किट, आपको कुछ ग्रीन आईडी करने की, जिसको भी आप बोलते थे कि आईडी ग्रीन करना होता है, 100 RP लेना होता है, 2000 रुपए का कॉम्बो पैक है, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली दोस्तों। अब आपको 100 RP की कीवा रिपर्चेज किट नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कीवा डील्स ऐप के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, कोई भी। उनको सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि अब हर कोई कीवा डील्स ऐप का आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। राइट, तो आगे चलते हैं। अब इस ऐप को चलाने के लिए 100 RP की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सीधे तौर पे कीवा डील्स ऐप पर आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, ये हम सभी जान चुके हैं आसानी से। अब बात करते हैं दोस्तों एक नई चीज की, जिसको कि आप सबके सामने इंट्रोड्यूस किया गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप कुछ भी खरीदारी कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। आपने कुछ भी खरीदारी की, उस खरीदारी के मूल्य पर, MRP पर लगभग 1-15% तक का जो BP बिजनेस पॉइंट एंड जो नई चीज आपके सामने इंट्रोड्यूस की गई है वो है इंट्रोड्यूसर इनकम। पहले हम रेफरल इनकम बोल रहे थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था। माय डियर फ्रेंड, दिस इज नाउ इंट्रोड्यूसर इनकम। इंट्रोड्यूसर इनकम को आप सबके सामने पेश किया गया है, इसको आसानी से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और साथ में सेल्फ PI भी आप यहां पे ले सकते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा है, किसी ने भी, राइट? तो अगर आपके नीचे किसी ने वहां पे 10,000 रुपए का जो मोबाइल फोन खरीदा है, तो उसके ऊपर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया गया है कि 1-15% तक का जो इस पे कमीशन जो है वो लागू है, राइट? तो मान लीजिए 10% कमीशन उस पे लागू है, तो जो भी उत्पाद आपने 10,000 रुपए का खरीदा है उसका 10% कितना बना? 1,000 पॉइंट। अब 1,000 पॉइंट को 3 चीजों में डिवाइड करके दिया जाएगा। पहला, 500 पॉइंट BP के रूप में जिस पर्सन ने परचेज किया है, यानी कि जिसने शॉपिंग की है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, 250 पॉइंट, 250 पॉइंट यानी कि 25% जो है इंट्रोड्यूसर इनकम के रूप में जिस पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, मैं यहां पे क्लियर करके बताएंगे कि किस तरीके से इंट्रोड्यूसर है कौन, किसको बोला जाएगा इंट्रोड्यूसर। और जो 250 पॉइंट जो बाकी के 25% बचते हैं, तो वो परचेज इंसेंटिव के रूप में जिस पर्सन ने शॉपिंग की है उसके अकाउंट में ये चीज ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए इसको आसानी से समझते हैं। इंट्रोड्यूसर, अब ये इंट्रोड्यूसर कौन है इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि ये मैं हूं, राइट? फॉर एग्जांपल कि आप में से आप अपने आप को इसके बारे में लगा सकते हैं कि ये मैं हूं, फॉर एग्जांपल। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम 2 लेग्स लगाते हैं, राइट लेग, लेफ्ट लेग, क्लियर? दोस्तों आपके जो कमेंट्स है ना वो साथ साथ में मेरे पास आने चाहिए, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि सभी को जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, राइट? बिल्कुल सिंपल वे में हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। अब इस तरीके से जो लेग्स हैं वो हम चला रहे हैं, राइट? जैसे कि राइट लेग में ABCD और लेफ्ट लेग में मेरे यहाँ पे XYZ, BCD और XYZ, इस तरीके से जो 2 लेग्स हैं वो हम यहाँ पे चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पे क्या किया, यहां पे मैंने सी के नीचे, यहां पे मैंने एक नई ज्वाइनिंग की, सी के नीचे इस पर्सन को, डी को मैं लेके आया हूं, ए लेके आया है, जो डी वाला पर्सन है, मैं एक नया पर्सन लेके आया और मैंने इसको सी के नीचे प्लेस कर दिया, सी के इसको नीचे लगा दिया, यानी कि ये एक न्यू ज्वाइनिंग है जिसको कि मैं यहां पे लेके आया हूं। ये इतना चीज क्लियर है, मैं ए हूं,
और मैं डी को सी के नीचे लेके आया हूं। जितनी भी मेरी लेंथ जो भी लंबी चल रही है, तो मैंने एक नया पर्सन इंट्रोड्यूस किया है और उसको मैं यहाँ पे डी के रूप में सी के नीचे लेके आया हूं, राइट। तो इसका जो इंट्रोड्यूसर है वो कौन है? ए। डी का इंट्रोड्यूसर कौन है यहां पे? ए, राइट। अब ए यहां पे इंट्रोड्यूसर आ चुका है, तो जहां मैंने इसको सी के नीचे लगाया है तो सी इसका क्या बनता है यहां पे? स्पॉन्सर, यानी कि अपलाइन। इसका जो अपलाइन है वो ऑटोमेटिकली यहां पे सी बन जाएगा। यहां पे किसी को दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल वे में हमने यहां पे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहां पे बिल्कुल बिल्कुल यहां पे कौन है स्पॉन्सर, कौन बन जाएगा यहां पे? सी, बिल्कुल। यहां पे जो जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहां पे सी मेरा क्या बनता है? अपलाइन बनता है, और मैंने डी को यहां पे न्यू ज्वाइनिंग दी है, तो उसका इंट्रोड्यूसर कौन हुआ? मैं। तो अब जब यहां पे इंट्रोड्यूसर जो है वो ए बन चुका है, तो अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ये चार्ट आपने इसी तरीके से अपने सामने रखना है, राइट। अब देखिए डी का जो इंट्रोड्यूसर आईडी है वो किसकी है? ए की, हम सभी समझ गए, राइट। ये आपको चेक करने भी बताएंगे कि आप कैसे अपनी इंट्रोड्यूसर आईडी जो है वो चेक कर सकते हैं, स्पॉन्सर आईडी जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक नया फीचर जो है वो सिर्फ एक नया फीचर हमने ऐड किया है, जो हमारा ज्वाइनिंग फॉर्म है वो हम आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जो सी है, सी ऑटोमेटिकली अपलाइन बन जाएगा डी का, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, बिल्कुल सिंपल वे में आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? इंट्रोड्यूसर की इनकम। इंट्रोड्यूसर की इनकम कैसे आएगी, उसके अब बारे में हम यहां पे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, डी का इंट्रोड्यूसर ए है, तो जो 25% की जो इनकम है, जो हम इंट्रोड्यूसर इनकम की बात कर रहे थे, तो वो किसको आएगी? ए को आएगी। अब यह ए के ऊपर है कि वह सी को इंट्रोड्यूसर बनाता है या खुद बनता है, राइट। तो वो उसके ऊपर होता है, ए के ऊपर है कि वो सी को इंट्रोड्यूसर बनाएगा या वो खुद बन जाएगा, तो ये उसके ऊपर बनता है यहाँ पे। क्योंकि हमने तीन तरीके से जो हमारे पॉइंट्स थे उनको हम डिवाइड कर रहे थे। बिजनेस पॉइंट 50% रहेगा, इंट्रोड्यूसर इनकम ये वाली इंट्रोड्यूस। देखिए, मैं किसी को किसी से मिलवाने लेके गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को किसी के साथ मिलवाया, तो उसका इंट्रोड्यूसर कौन हुआ? मैं, क्योंकि मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। भाई उसको मैं लेके आया हूं, मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसकी इनकम किसको आएगी? मेरे को आएगी। सिंपल सी चीज किसको आएगी? मेरे को आएगी। प्लीज एक बार मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर मैंने किसी को इंट्रोड्यूस किया है तो उसकी इनकम किसको आएगी? मेरे को आएगी। तो आपने यहाँ पे स्पॉन्सर में और इंट्रोड्यूसर में कंफ्यूज नहीं होना है। प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बता दीजिए, स्पॉन्सर में और आपने इंट्रोड्यूसर में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो इंट्रोड्यूसर इनकम है वो किसको आएगी? मेरे को आएगी। किसको आएगी? मेरे को आएगी। इंट्रोड्यूसर इनकम मेरे को आएगी क्योंकि मैं इसको लेके आया हूं। अरे भाई, जो पर्सन मैं लेके आया हूं उसकी इनकम किसको आएगी? मेरे को आएगी। मैंने उसको लगाया कहां, प्लेस कहां किया है? स्पॉन्सर के नीचे। स्पॉन्सर के नीचे जो चीज पहले चल रही थी, जो प्लान पहले चल रहा था, भाई साहब कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं आया है, सेम एज इट इज वैसे ही चल रहा है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो बीपी का काउंट होता था स्पॉन्सर के अकॉर्डिंग, वो वैसे ही चलेगा, कुछ भी जैसे पहले हो रहा था। हमें मार्केटिंग प्लान पता है ना, मेरे दो लेग्स हैं, उसके नीचे जो भी बीपी काउंट हो रहा है, राइट, तो वो स्पॉन्सर का ही हो रहा है वहां पे, अकॉर्डिंग टू स्पॉन्सर ही हो रहा काउंट वहां पे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। माय डियर फ्रेंड्स, मार्केटिंग प्लान में कोई भी बदलाव नहीं है। जो मार्केटिंग प्लान पहले चल रहा था
वही सेम मार्केटिंग प्लान अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। ज्वाइनिंग फॉर्म सेम है, ज्वाइनिंग फॉर्म में कहीं भी कोई भी बदलाव नहीं है, एवरीथिंग इज सेम, हर एक चीज सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे रेफरल इनकम को जब हमने बताया गया था तो लोग कंफ्यूज हो गए थे, इंट्रोड्यूसर इनकम, अब हमने ऐसा कुछ भी नहीं बताना है, हमने बताना है इंट्रोड्यूसर इनकम, सिंपल सी चीज है, राइट। अब देखिए ज्वाइनिंग फॉर्म में क्या एडिशन हुआ है, इंट्रोड्यूसर आईडी, सिर्फ उसमें नया जो चीज है वो उसमें हम लेके आए हैं, एक एडिशन सिर्फ हुआ है इंट्रोड्यूसर आईडी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। माय डियर फ्रेंड, 25% इनकम लेनी है तो आपको अपनी आईडी फॉर्म में फिल करना होगा, आपको अपने आईडी फॉर्म में फिल करना होगा। और माय डियर फ्रेंड, इस इनकम को लेने के लिए, इस इंट्रोड्यूसर इनकम को लेने के लिए, इस 25% की इंट्रोड्यूसर इनकम को लेने के लिए आपको कोई 400 BP करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सेल्फ आईडी पे जो हम 400 BP करते थे, ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इंट्रोड्यूसर आईडी सिर्फ कीवा डील्स ऐप को चलाने के लिए है, सिर्फ कीवा डील्स ऐप को चलाने के लिए हमें इंट्रोड्यूसर आईडी चाहिए, बाकी तो सारा पहले वैसे ही चल रहा था, उसमें कहीं पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। सिंपल सी चीज है दोस्तों, हमने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं किस लिए हो रही हैं, सिर्फ कीवा डील्स ऐप को। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये बोर्ड सबको क्लियर दिखाई दे रहा है, प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए, बोर्ड सबको क्लियर नजर आ रहा है, राइट। दोस्तों सिंपल सी बात है, ये यहां पे मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे मैं हूं, और मैं अपने नीचे यहां पे लोगों को इस तरीके से लगा रहा हूं, राइट। मैंने इसको लगाया, इसने आगे इन सभी को यहां पे लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने क्या किया, मैंने एक मैसेज डाला, मैंने कॉपी जो लिंक है वो कॉपी किया कीवा डील ऐप का, और मेरे को एक नई ज्वाइनिंग मिल गई, ये ए बी सी डी और ई के रूप में मेरे को नई ज्वाइनिंग मिल गई। तो इसका इंट्रोड्यूसर कौन हुआ यहाँ पे, ई का इंट्रोड्यूसर कौन है, मैं हूं, क्योंकि भाई साहब इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब ई का इंट्रोड्यूसर मैं यहाँ पे हूं, तो मैं अब इसका यहाँ पे मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए किसी को कुछ भी नहीं, जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, हमें कोई रिटेल नहीं करना है, हमें ये वाला कीवर्ड डील वाला कंसेप्ट हमें पसंद है, राइट। हम अपनी आईडी लगाएंगे और यहाँ पे लोगों से सेल निकलवा लेंगे, हम उनको जो शॉपिंग करने के लिए उनको वहां पे बोलेंगे हमें तो हमारा कमीशन चाहिए। अब उनको अपना कमीशन लेने के लिए पहली चीज कोई 400 BP करना नहीं पड़ेगा, सिंपल सी चीज, कोई 400 BP की सेल्फ परचेज हमें यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि कोई इसमें आपको बाधाएं नहीं है। कोई आपको 2000 रुपए की कीवा रिपर्चेज किट खरीदनी नहीं पड़ेगी, आपको ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये जो इंट्रोड्यूसर आईडी है, ये सिर्फ कीवा डील्स ऐप का जो इनकम है वो लेने के लिए है, सिर्फ इनकम लेने के लिए। बाकी जो प्लान चल रहा था वो एज इट इज ही वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कहीं पे भी कुछ भी बदलाव नहीं है। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कहीं पे भी कुछ भी बदलाव नहीं है। प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे इंट्रोड्यूसर इनकम का, कि सबको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ चुका है। एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी दोस्तों लिख के बता दीजिए, ताकि हम आगे चले, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमें देखना है, राइट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कंफ्यूज होने वाला ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे और बहुत एक्साइटेड चीजें हमारे सामने आने वाली है, आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे जो kivaindia.org के अगर वेबसाइट पे हम डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन करते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालना है, यहाँ पे नीचे आपने अपना पासवर्ड भरना है,
और फिर आपने इसको यहाँ पे लॉग इन कर देना है। सिंपल सी चीज, नो कंफ्यूजन। अब ये किस लिए है? जो बदलाव आया है उसको आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि किस लिए है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जब आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपने जो दूसरे नंबर पे ये आपको जो दिखाई दे रहा है रजिस्टर नाउ पे आपने जाना है। आपने किसके ऊपर जाना है? रजिस्टर नाउ पे। जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तब हम क्या करते हैं? रजिस्टर नाउ पे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, राइट? तो जब हम यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऊपर जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होने वाला है, तो यहाँ पे एक नया जो एक नया फॉर्म के अंदर जो नई चीज इंट्रोड्यूस आपके सामने की गई है तो वो है इंट्रोड्यूसर आईडी एंड इंट्रोड्यूसर नेम। कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म। इसके ऊपर आपको दिया गया है स्पॉन्सर आईडी स्पॉन्सर नेम, वो जैसे हम पहले बताते थे। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूसर आईडी इंट्रोड्यूसर नेम, अगर आप 25% का कीवर्ड यूज का इनकम लेना चाहते हैं, आप किसी पर्सन को लेके आए, ये आजा भाई साहब आज तेरे को दिखाते हैं कीवर्ड यूज ऐप हमने चलानी है, बहुत अच्छी ऐप है, आप लेके आए अपने आस पड़ोस में किसी को भी, स्टूडेंट्स को, किसी को भी, जो भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, जब आप उनका वहां पे जो फॉर्म वगैरह है अब उनका भरवाएंगे तो इंट्रोड्यूसर आईडी में आप अपनी आईडी डालेंगे, जो पर्सन इंट्रोड्यूस कर रहा है आप उसकी आईडी डालेंगे, बिल्कुल क्लियर। स्पॉन्सर आईडी स्पॉन्सर नेम में जिसके नीचे आपको प्लेस करना है उसकी आईडी डालेंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, क्लियर कट चीज है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। स्पॉन्सर में स्पॉन्सर आईडी स्पॉन्सर नेम में जिसके नीचे आप प्लेस करेंगे, जहां पे आप प्लेस करना चाहते हैं डी के नीचे प्लेस करेंगे तो डी का स्पॉन्सर आईडी में नाम आएगा, उसकी आईडी आ जाएगी। इंट्रोड्यूसर में आपका यहाँ पे नाम और आपकी यहाँ पे जो आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगी, अगर आप कीवर्ड डील्स का जो इनकम है 25% इनकम अगर आप लेना चाहते हैं। आप 100 लोग लेके आइए अपना इंट्रोड्यूसर आईडी है डालिए, आप 200 लोग लेके आइए अपना इंट्रोड्यूसर आईडी और नेम डालिए, आप 1000 लोग, आप 10000 लोग लेके आइए, दिक्कत कहां पे है? इंट्रोड्यूसर आईडी डालिए ना अपनी, चाहे 100000 लोग लेके आइए इंट्रोड्यूसर आईडी अपनी डालिए, प्लेसमेंट जहां मर्जी नीचे कीजिए जैसे आप पहले करते आ रहे थे। तो दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके यहाँ देखिए बीपी जो काउंट हो रहे हैं वो सेम काउंट होते रहेंगे, मार्केटिंग प्लान जो है वो सेम एज इट इज भी चलता रहेगा, जो 25% की इनकम है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो आपका इंट्रोड्यूसर है उसको वहां पे आनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये जो इतना आपको यहाँ पे इलेबोरेट करके बताया गया है इसका सिंपल सा कंक्लूजन ये निकलता है, जो पर्सन लेके आएगा उसको इंट्रोड्यूसर इनकम दी जाएगी, प्लेस उसने कहाँ करना है? स्पॉन्सर के नीचे जो प्लेसमेंट है वहां पे उसको प्लेस कर देना है, आपको इनकम जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। इसका इनकम से ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है कि उसको आप कहाँ पे कर रहे हैं, वो इनकम तो आपकी जब भी वो शॉपिंग करेगा उसकी इनकम जो है वो आपको आती रहेगी क्योंकि आप उसकी स्पॉन्सर इंट्रोड्यूसर आईडी है, राइट? तो दोस्तों आगे चलते हैं। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे हम और क्या चीज देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम दोस्तों प्रोफाइल सेक्शन में जा सकते हैं। प्रोफाइल, अब मैंने चेक करना है कि भाई साहब मेरा स्पॉन्सर कौन है, मेरी इंट्रोड्यूसर आईडी और मेरा स्पॉन्सर कौन है, अगर मैंने ये चेक करना है तो यहाँ पे आपने जो प्रोफाइल सेक्शन दिया गया है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक किया और इसके बाद जब आपने क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये जो यहाँ पे व्यू प्रोफाइल है ये वाला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन माय डियर फ्रेंड जो इंट्रोड्यूसर आईडी है वो आपको दिख जाएगी और उसके ऊपर जो स्पॉन्सर आईडी है वो भी आपको दिख जाएगी कि आपकी स्पॉन्सर आईडी कौन सी है, आपकी इंट्रोड्यूसर आईडी कौन सी है। तो ये नया फीचर जो है वो ज्वाइनिंग फॉर्म के अंदर यहाँ पे लॉन्च किया गया है सिर्फ कीवर्ड डील्स ऐप के लिए। इसका जो पर्पज है सिर्फ कीवर्ड डील्स ऐप से है और किसी चीज से नहीं है, कोई मार्केटिंग प्लान से इसका नहीं है। इंट्रोड्यूसर आईडी सिर्फ कीवर्ड डील्स ऐप के लिए ही लॉन्च किया गया है, तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये जो फीचर है वो आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। अब जो भी खरीदारी कर रहे हैं
उसके परचेज प्रोडक्ट के मूल्य का 1 से 15% आपको बीपी के रूप में, इंट्रोड्यूसर इनकम के रूप में, परचेज इंसेंटिव के रूप में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। उत्पाद के ऑर्डर डिस्पैच और उत्पाद की जिम्मेदारी गुणवत्ता में कीवा की भूमिका क्या है, देखिए ये हम सभी जानते हैं, इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि जो भी चीज चलेगी वो सेम वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती आ रही थी। आपने सिर्फ कीवर्ड डील्स ऐप को ओपन करना है। फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न के जरिए शॉपिंग की, कीजिए अमेज़न का आपने वहां पे प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, उसके अंदर जो डील है वो सिलेक्ट की, आपने प्रोडक्ट खरीदा, कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन आपकी इच्छा है, जो प्रोडक्ट की जो ट्रैकिंग होगी कि आपका प्रोडक्ट कोरियर में कहाँ पे है वो अमेज़न आपको बताएगा, प्रोडक्ट की डिलीवरी अमेज़न आप तक करेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आपको दिक्कत वगैरह आ जाती है तो जो रिटर्न करेंगे वो अमेज़न को करेंगे। इसमें कहीं पे भी कीवा की कोई भी भूमिका नहीं है, कहीं पे भी इसमें कीवा की कोई भी भूमिका नहीं है। आपका जो भी ट्रांजैक्शन चलेगा वो उसी कंपनी से, उसी ऐप के जरिए चलेगा जहां से आपने शॉपिंग की है, चाहे मिंत्रा से, डोमिनो से, KFC से, टाटा क्लिक से, या आपका shopnews.com से, कहीं से भी जहां से भी आप कर रहे हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज वैसे ही चलेगा। कीवा डील्स ऐप को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप साथ में यहाँ पे बीपी और पीआई की जो कमाई है वो साथ में आप इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, जो डिस्ट्रीब्यूटर को जो खरीद पर बीपी, इंट्रोड्यूसर इनकम और सेल्फ पीआई कब मिलेगा, कब मिलेगा? तो सिंपल सी चीज है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको बीपी 50%, इंट्रोड्यूसर इनकम 25%, परचेज इंसेंटिव 25% का जो भुगतान है वो कर दिया जाएगा। ये इतना समय क्यों लिया जा रहा है? देखिए सिंपल सी चीज है, 2 महीने यानी कि 45 से लेकर 60 दिनों के अंदर अंदर इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिंपल सी चीज है, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर लगाया किसी को भी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपके हैं, टाटा क्लिक हो गया, मिंत्रा हो गया, कहीं पे भी। अब कोई कंपनी 7 दिन ले रही डिलीवरी करने के लिए, कोई 15 दिन, कोई 21 दिन। अब डिपेंड करता है लोकेशन पे भी कि जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद जब कंपनी आप तक उसको डिलीवरी करती है, आप प्रोडक्ट को ले लेते हैं, और उसके बाद जब हमें उसका कंफर्मेशन मिलता है, वेरीफाइड हो जाता है कि अब जो ऑर्डर है वो वेरीफाइड हो चुका है जो भी आपने किया है, उसके बाद आपके अकाउंट में जो भी ये बीपी, पीआई और इंट्रोड्यूसर इनकम है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया, या आपने प्रोडक्ट वापस भेज दिया, उसको कैंसिल कर दिया, तो अगर ऑर्डर इनवैलिड हो जाता है तो इस रूप में कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इनवैलिड हो चुका है, ऑलरेडी आप जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर चुके हैं। सिंपल सी चीज हमें पता चल गया। शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, पहले हम ऐप देखेंगे, फिर आपको यहाँ पे मैं वेबसाइट भी समझाने की कोशिश करूंगा। आइए तो दोस्तों, जैसे हम सबसे पहले प्ले स्टोर की ऐप पे जाते हैं, प्ले स्टोर की ऐप पे प्ले स्टोर हमने ओपन किया, वहां पे आपने कीवा डील्स ऐप को आपने वहां पे इंस्टॉल कर लेना है और उसको ओपन कर लेना है। लोगो आपके सामने दिखाई दे रहा है कीवा डील्स का, राइट? तो जब ये आपने ओपन किया तो आपने जो सबसे नीचे दिया गया है गो टू माई अकाउंट, माय अकाउंट के ऊपर जाके आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपल सी चीज, यहाँ पे आके जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है और जो आपका पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे भरना है और इसको लॉगिन कर लेना है। सिंपल सी चीज, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और पासवर्ड आपने यहाँ पे भरना है और इसको आपने लॉगिन कर लेना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे दोस्तों, तो आपको ये सभी जो चीजें हैं, ग्रोसरी, फूड एंड ग्रोसरी, जैसे कैटेगरी वाइज हो गया, स्टोर्स वगैरह हो गया, ये सभी चीजें आपको वहां पे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो मान लीजिए अब हमने इनमें से किसी एक चीज को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल हमने अमेज़न को यहाँ पे हमने चूज किया, फॉर एग्जांपल। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अमेज़न के ऊपर, तो हम यहाँ पे ओपन डील के ऊपर भी जा सकते हैं, या ऊपर जो Amazon इंडिया लिखा हुआ है ओपन डील, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। दोनों में से जहां जो भी डील आप लेना चाहते हैं उनमें से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप इस पेज को ओपन करेंगे तो इसके जो नीचे लिखा गया है गेट दिस डील, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है गेट दिस डील के ऊपर, देन आप Amazon के होम पेज के अंदर एंटर कर जाएंगे।
Amazon के होम पेज के अंदर आप एंटर कर जाएंगे या जो भी आप ऐप ओपन करेंगे उसके होम पेज के अंदर एंटर कर जाएंगे, अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, उसका कलर है, साइज है, अगर जूते हैं तो साइज है वो सिलेक्ट कीजिए, आगे चल के अपना एड्रेस भरिए, अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट कीजिए, पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, पेटीएम से, जो भी यूपीआई है या आपका बाकी का जो डेबिट है, क्रेडिट कार्ड है, जहां से भी आप करना चाहते हैं, या कैश ऑन डिलीवरी, वो सिलेक्ट करेंगे, देन आप इसको बाहर आ जाएंगे, आप इसके बाहर आ जाएंगे, राइट। तो जब आप यहाँ पे बाहर आ जाएंगे तो और बहुत सारे जो टॉप के जो स्टोर्स हैं तो आपको वो यहाँ पे दिखाई देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने मिंत्रा को चूज कर लिया, मिंत्रा को चूज कर लिया तो यहाँ पे गेट दिस डील हमने यहाँ पे लिया है, और उस डील को लेने के बाद यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, उसको ऑर्डर करना है, और हमारा काम वहां पे खत्म हो जाता है। जैसे शॉपिंग पहले करते आ रहे थे, सेम एज इट इज, वैसे ही हमने यहाँ पे शॉपिंग जो है वो करनी है। अब यहाँ पे क्या आता है, मान लीजिए यहाँ पे जो आपको लिंक दिए गए हैं, आपने लेफ्ट में और राइट में जिनको रेफरल करना है, यानी कि जिनको जो जिनके आप इंट्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, राइट। तो लेफ्ट में अगर किसी को, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं, एक ग्रुप के लोग, राइट, एक यानी कि अगर 10 ग्रुप है, 5 ग्रुप में आपने अपना एक लिंक कॉपी किया लेफ्ट का, उसको आपने 5 ग्रुप में भेज दिया, दूसरा लिंक किया राइट का, कॉपी किया आपने, उसको आपने अगले 5 ग्रुप में भेज दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से शॉपिंग हो रही है, लेफ्ट में कितने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, राइट में कितने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से जो आपकी इंट्रोड्यूसर इनकम है वो यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो वहां पे जरूरी होता है, और इसको कॉपी कीजिए, शेयर कीजिए, नियर टू डियर्स वन, कहीं पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। फिर आप अपने ऑर्डर्स को वेरीफाइड कीजिए, पेंडिंग ऑर्डर चेक कीजिए, कोई ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं है। अमेज़न ऑर्डर इसका अलग से है, देखिए ये सिर्फ अमेज़न के लिए है, जैसे हमने पहले भी बात की है, अगर कोई पर्सन अमेज़न से शॉपिंग कर रहा है तो सिर्फ अमेज़न से, बाकी कोई भी स्टोर है कहीं से भी शॉपिंग कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अमेज़न से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो एक चीज आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, आपने अपना ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दी, हर एक चीज कर दी, वो आपका काम खत्म हो गया वहां पे, राइट। लेकिन वहां पे ऑर्डर करने के बाद, एक बार ऑर्डर करने के बाद, तो जब आप यहाँ माय अमेज़न ऑर्डर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो नीचे आपको ये जो आइकन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आइकन के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा, अपलोड अमेज़न ऑर्डर्स। यहाँ पे आपने जो आपका अमेज़न का ऑर्डर नंबर है, जो भी आपका ऑर्डर नंबर है, जो भी आपने शॉपिंग की हुई, ऑर्डर डेट, किस डेट को आपने शॉपिंग की है, ऑर्डर की अमाउंट कितने का ऑर्डर था, प्रोडक्ट की डिटेल, क्या मंगवाया है आपने, और उसका जो बिल है, जो इनवॉइस कॉपी है, वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है, और नीचे जाके आपने इसको सेव कर देना है, दैट्स इट। इसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपके अकाउंट में जो बीपी है, पीआई है, वो आपको वहां पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर कोई मिसिंग ऑर्डर आ रहा है, अगर कोई मिसिंग ऑर्डर आ रहा है तो सिंपल सी चीज है, आपने मिसिंग ऑर्डर के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, राइट। क्लिक करने के बाद ये जो आइकन है इसके नीचे आपने क्लिक करना है, माय मिसिंग ऑर्डर्स में आपने ये जो नीचे आइकन है उसको क्लिक करना है, देन इसके बाद जो डिटेल है वो आपने भर देनी है, स्टोर नेम, कहाँ से शॉपिंग की, अमेज़न, टाटा क्लिक, मिंत्रा, shopmoo.com, कहाँ से भी आपने की वो फिल करना है, ऑर्डर नंबर क्या था आपका, ऑर्डर डेट कौन सी थी, ऑर्डर अमाउंट कितना था, प्रोडक्ट का डिटेल भरना है, इनवॉइस की जो कॉपी है वो आपने फिल करनी है, सेव करना है, और आपने आराम से बैठ जाना है, सिंपल सी चीज। और दोस्तों उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन आईडी है वो सेम एज इट इज, अगर हम रीपर्चेज सेक्शन में अपना देखना चाहते हैं कि कितना मेरे को वहां पे जो मेरा यहाँ पे जो कीवर्ड डील्स ऐप का जो मेरा बोनस वगैरह बन रहा है कितना बन रहा है, जो बीपी है, जो पीआई है, वो कैसे चेक करना है, तो आपने इसी तरीके से वहां पे जो सेक्शन में जाना है, आपने किस सेक्शन में जाना है, पहले आपने रीपर्चेज सेक्शन के अंदर जाना है, रीपर्चेज सेक्शन के अंदर जाके आपने रीपर्चेज ऑन कीवर्ड डील्स इसके ऊपर क्लिक करना है, देन माय डियर फ्रेंड्स जो पूरी डिटेल है आपके ऑर्डर्स की वो आपको यहाँ पे सामने आ जाएगी, कौन सी डेट को कौन सा ऑर्डर लगा था,
कितना आपको बीपी बना है, कितना पीआई बना है, वो सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, राइट। दूसरी चीज, अगर आप वेबसाइट के जरिए करना चाहते हैं, दोस्तों अब हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ कि किस तरीके से अब हम यहाँ पे इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आप सभी लोग प्रैक्टिकली करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे प्रैक्टिकली? तो दोस्तों क्या आप प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में, राइट वाइड, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एक बार कीवा डील्स ऐप जो है वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। तो आपने साथ के साथ में मेरे को मैसेज करते जाना है कि आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। राइट, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ये जो पेज आपने ओपन किया हुआ है, राइट, kivadeals.com, तो यहाँ पे ये क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर लॉगिन दिखाई दे रहा है आपको? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या ये कर्सर जो है वो मेरा आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन का? ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मेरे पास ये पेज खुल जाएगा, राइट। ये एक डमी आईडी है, तो मैंने अपनी आईडी भरी है, मैंने अपना पासवर्ड भरा है और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो दोस्तों मैंने जब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये जो पेज है ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, कीवर्ड डील्स का जो पेज है वो मेरे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे कोई भी रीपर्चेज किट वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं सीधा शॉपिंग करना चाहता हूँ, आप किसी को भी बताना चाहते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ये टॉप स्टोर्स दिया गया है, यानी कि मैंने स्टोर्स चेक करने हैं कि कौन कौन से स्टोर्स हैं यहाँ पे कीवर्ड डील्स के पास, तो दोस्तों मैंने स्टोर्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, तो मेरे पास ये जितने भी स्टोर्स वगैरह हैं ये सभी ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्टोर्स हैं वो हमने यहाँ पे देखने, देखिए कितने सारे स्टोर्स हैं आपके सामने, मेक माई ट्रिप, गो एबीबो, ओयो, राइट, एडिडास, अजियो, बहुत सारे स्टोर है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितने स्टोर हैं, कहाँ कहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, डिकैथलॉन हो गया, डेल हो गया, डोमिनोज हो गया, राइट, फर्न्स एंड पेटल्स हो गया, अगर किसी को गिफ्ट वगैरह आप देना चाहते हैं, गो नोइज हो गया आपका, जैक एंड जोन्स हो गया, KFC हो गया आपका, कूब्स हो गया आपका, लिनोवो हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, अगर कुछ भी, लाइम रोड हो गया, मामा अर्थ हो गया, मार्क्स एंड स्पेंसर हो गया, तो कुछ भी आप यहाँ पे शॉपिंग करना चाहते हैं, पैंटालून, पिज़्ज़ा हट, प्यूमा, शॉपक्लूज, तनिष्क, टाटा क्लिक। अब मान लीजिए मैंने टाटा क्लिक से अगर यहाँ पे शॉपिंग करनी है तो मैंने यहाँ पे व्यू डील के ऊपर जाके यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाटा क्लिक से शॉपिंग करना चाहता हूँ तो जब यहाँ पे टाटा क्लिक, मैं यहाँ पे जब व्यू डील्स के ऊपर जब जाके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से जो पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने जाना है गो टू द स्टोर के ऊपर। तो जब मैं यहाँ पे गो टू द स्टोर के ऊपर जाऊंगा एक बार दोबारा से करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम गए टॉप स्टोर पे, तो मेरे पास यहाँ पे खुल जाते हैं, मान लीजिए हमने वहीं पे जाना था जी, तो आप यहाँ पे टाइप करके भी अपना जो स्टोर है वो निकाल सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं गया इसमें व्यू डील के अंदर, गो टू द स्टोर, तो यहां पे दोस्तों मेरे पास जो टाटा क्लिक की जो यहां पे पेज है वो यहां पे ओपन हो जाएगा। जहां से भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं वहां से शॉपिंग कीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं टाटा क्लिक से शॉपिंग करना चाहता हूँ, कुछ भी शॉपिंग करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं एक बारी, शॉपिंग करके देखते हैं किस तरीके से शॉपिंग, मतलब कि हम जैसे नॉर्मली जो सभी करते हैं, तो एक बार सबको बताने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने जूते लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल शूज लेने हैं मैंने, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे शूज के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे जो पेज है वो शूज का वो ओपन होना शुरू हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे जो शूज के जो ब्रांड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो यहाँ पे मेरे को दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसा होगा, क्या क्या डिस्काउंट सबके ऊपर चल रहा है, वैसा वैसा मेरे को यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा क्या क्या चीजें हैं सारी राइट। इस तरीके से अब जो भी शूज आपको पसंद होगा तो उसको आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, जो भी चीज आपको पसंद होगी। मान लीजिए थोड़ा सा और जल्द देखते हैं, तो यहाँ पे जितने भी आप जो ब्रांड हैं वो सभी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, जितने भी हैं, अगर आप कुछ भी उस हिसाब से शॉपिंग करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से शूज जो है उनको आप लेना चाहते हैं। चलो मान लीजिए अब हम यहाँ पे कोई जो शूज है उसकी शॉपिंग, मान लीजिए हम ये वाले जो शूज है इसको सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे शूज के बारे में जो पूरी डिटेल है वो हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाएगी कि शूज में क्या क्या चीजें हैं, साइज है क्या है। ये देखिए ऊपर यहाँ पे साइज दिखाई दे रहा है, मान लीजिए जो साइज है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया राइट। इसके बाद साइज सिलेक्ट कर लिया, कलर यहाँ पे ब्लैक है, देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बाय नाउ राइट। तो जब मैंने यहाँ पे बाय नाउ किया तो मेरे को यहाँ पे डिटेल आ गई सारी कि आपने क्या क्या ये चीज है राइट। कितने रुपए का शूज था, ये 6,000 रुपए का शूज था, मेरे को डिस्काउंट के बाद यहाँ पे 2940 का मिल रहा है। इसकी डिलीवरी कब तक हो रही है मेरे पास, 18 जून तक, और जो डिलीवरी है वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई कूपन है, आप कूपन वगैरह चेक कर सकते हैं तो उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं राइट। और जो टोटल है वो आपने यहाँ पे देखना है, फिर आपने यहाँ पे चेकआउट पे आ जाना है कि अब मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे परचेज करना है। तो जब आप यहाँ पे चेकआउट के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने पूरी डिटेल भरनी है, एंटर योर पिन कोड। तो मैं जब यहाँ पे पिन कोड भरूंगा तो ऑलरेडी मेरे पास वो सारी जो डिटेल है वो बता देंगे, जैसे यहाँ पे पटियाला पंजाब से, तो पटियाला का अगर हमने भरा है तो उसका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, और इसके बाद आपने यहाँ पे जो पेमेंट है वो आपने कर देनी है, और सेव एंड कंटिन्यू करके आप इसको बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद आपने पेमेंट का मोड आएगा तो पेमेंट आपने सिलेक्ट करनी है, एंड देन माय डियर फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ ये चीज है, जैसे कि हम पहले करते थे वैसे ही हमें अब यहाँ पे करना पड़ेगा राइट। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज का जो सेशन है बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही आसानी से आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ चुकी होंगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स अब आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस कीवा डील्स ऐप के रिगार्डिंग, तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने यहाँ पे पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी को कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, क्वेश्चन सिर्फ कीवा डील्स ऐप के रिगार्डिंग, बट आई थिंक किसी को कोई डाउट इसमें होगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार कीवा डील्स ऐप के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। लेकिन स्टिल किसी का भी अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज वेलकम। नॉट श्योर फ्लिपकार्ट इन ऐप, दोस्तों बहुत ही जल्द ही ये कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो फ्लिपकार्ट ऐप है वो अभी शो नहीं हो पा रहा है राइट। तो कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल सी चीज है, थोड़ी देर बाद ही जैसे ही इसका जो भी टेक्निकल इशू जब सॉल्व हो जाएगा तो आपके सामने ये जो ऐप है वो अपने आप ओपन होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि पहले होती थी अब भी आपके सामने ओपन होनी शुरू हो जाएगी। एनीबॉडी सर अमेज़न का एक्स्ट्रा वर्क डाउनलाइन कर नहीं पाते, बिल्कुल देखिए सिंपल सी चीज है, एक्चुअली हम अभी मतलब कि इतने टेक से भी नहीं है, मतलब कि इतना टेक्नोलॉजी का हमें पता नहीं है, अभी व्हाट्सएप चलाना बड़ी मुश्किल से आया है। तो ये ट्रेनिंग है,
अगर हम लीडर्स को इसके बारे में पता है तो डेफिनेटली हमें इसके बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए। जूम के बारे में कितने लोगों को पता था? आज लाखों लोगों को पता है। हमने जब जूम ऐप लॉन्च हुआ था, जब मीटिंग शुरू की थी लास्ट ईयर, तब हमने पकड़ पकड़ के जूम ऐप के बारे में बताया था, पकड़ पकड़ के जूम ऐप के बारे में बताया था। स्टिल आपका कोई भी डाउट रहता है, देन कीवा इंडस्ट्रीज की जो सीएसटी टीम है वो आपके लिए हमेशा तैयार बैठी है। अगर आपकी टीम में किसी को अमेजोन ऑर्डर उसने शॉपिंग कर ली है, अपलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, देन काइंडली प्लीज आप हमारी जो सीएसटी टीम है उनके साथ संपर्क कीजिए, आपकी जो सभी प्रॉब्लम है उनका वो जो आंसर है वो वहां पर देने की कोशिश करेंगे। राइट, एनी क्वेश्चन? यहाँ पे हमारे पास साथ क्वेश्चन आ रहे हैं, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कीवा आईडी का बेनिफिट लेने के लिए क्या यहाँ पे वो ग्रीन आईडी करनी पड़ेगी? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कीवा डील्स ऐप का बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई ग्रीन आईडी नहीं करनी पड़ेगी, कोई 2000 रुपए की जो कीवा परचेज किट है वो नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। राइट, बेनिफिट्स ऑफ परचेज इंसेंटिव, यहाँ पे आशीष निगम जी ने पूछा है बेनिफिट्स ऑफ परचेज इंसेंटिव। देखिए सिंपल सी चीज है, हमने कुछ भी खरीदारी की, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, राइट, एग्जांपल में क्या था, 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा तो 1,000 रुपए, 1,000 सॉरी, अगर 10% 10,000 का मोबाइल खरीदा और अगर 10% का उसके ऊपर कमीशन लागू है, यानी कि मेरे को क्या मिला, मेरे को 1,000 पॉइंट मिला, टोटल 1,000 पॉइंट निकल के आया, उस 1,000 पॉइंट में से 50% तो मेरे को बीपी आ गया, 25% जो है वो इंट्रोड्यूसर इनकम जिसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था उसको चला गया, और बाकी का 25% मेरे को परचेज इंसेंटिव के रूप में मेरे अकाउंट में आएगा, यानी कि एक तरीके से कैश बैक के रूप में, इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, कैश बैक के रूप में जिसने शॉपिंग की है उसके अकाउंट में आएगा, सिंपल सी चीज है। प्लीज बताना सर, बुकिंग के बाद डिलीवरी चार्जेस भी देना पड़ेगा? देखिए आपको कीवा को कुछ नहीं देना है, आपने कुछ भी बुकिंग किया है वहां पे वो ऐप आपको बताएगी, अगर अमेजोन से किया है, टाटा क्लिक से किया है या मिंत्रा से किया है, कहीं से भी जो डिलीवरी चार्ज होंगे वो वही लेंगे। कई बार जैसे कि वो कुछ अमाउंट होती है, अगर आप इतनी अमाउंट के ऊपर लेंगे तो डिलीवरी चार्जेस फ्री है, तो वो सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा। ये तो कीवा आप वैसे भी ऐप इस्तेमाल कर रहे थे, ये तो कीवा ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं कि भाई साहब आप इस तरीके से भी इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बीवी कब मिलेगा? देखिए सिंपल सी चीज है, 2 महीने के अंदर अंदर जो आपको जो बीवी है वो इसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 2 महीने के अंदर अंदर कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको जो बीवी है वो इसका आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राइट, एनी कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि लीडर्स हमारे यहाँ पे लगभग 550 के लगभग लीडर्स हैं, 570 के लगभग। एनी क्वेश्चन? ऑलरेडी ज्वाइन कीवा डिस्ट्रीब्यूटर का ये हमारे पास क्वेश्चन आया है। एक है तारक जी उड़ीसा से, इंट्रोड्यूसर हम होंगे लेकिन स्पॉन्सर कौन होगा? ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, अगर मैं इंट्रोड्यूसर हूं, मैंने यहाँ पे ई को डी के नीचे लगाया है तो डी यहाँ पे स्पॉन्सर होगा, सिंपल सी चीज है। अगर मैं ए हूं, मैंने ई को डी के नीचे लगाया है, राइट, डी दयानंद, कोई भी नाम आप ले लीजिए, दयानंद जी जो है उनके स्पॉन्सर होंगे किसके, ई के, राइट, सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होने जैसा नहीं है। तारक जी उड़ीसा से, दोस्तों हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे क्योंकि जो टाइम है हमारा वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। पहले की आईडी में कैसे इंट्रोड्यूसर दे? देखिए पहले की आईडी का आप मतलब समझिए, मैं लगा हुआ हूं, राइट, मैं जिसको भी यहां पे लेके आऊंगा उसका इंट्रोड्यूसर मैं होऊंगा,
पहले की आईडी मतलब मेरी आईडी पहले लगी हुई है, यानी कि पहले मेरी आईडी लगी हुई है, तो उसका यहाँ पे इंट्रोड्यूसर कौन हो रहा है? मैं हो रहा हूं। तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? यानी सर आपका इंस्टा आईडी, जनाब मैं इंस्टा नहीं चलाता हूं। एनी क्वेश्चन प्लीज? इसके अलावा इज इंट्रोड्यूसर एंड स्पॉन्सर आईडी विल बी सेम, इट्स अप टू यू, अप टू यू। जो इंट्रोड्यूसर है वो उसके ऊपर है कि वो स्पॉन्सर को भी इंट्रोड्यूसर बना सकता है, वो उसके ऊपर है। वो स्पॉन्सर को भी इंट्रोड्यूसर बना सकता है, वो उसके ऊपर है कि वो कैसे करने चाहते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स कंप्लीटली ऑन इंट्रोड्यूसर। आप लेके आए हैं, आपकी मर्जी है आप किसको बनाना चाहते हैं, राइट? तो आप अगर सी को यहाँ पे, डी को यहाँ पे इंट्रोड्यूसर भी बनाना चाहते हैं तो आप उनको भी बना सकते हैं। आप अपने आप को रखना चाहते हैं तो आप अपने आप को भी रखना चाहते हैं, आप अपने आप को भी रख सकते हैं। कितना परसेंट कौन सी कंपनी में बाय करने पे मिलता है, ये कैसे पता चलता है? देखिए सिंपल सी चीज है, जब आप ऐप ओपन करते हैं तो ऐप की साइड में जो व्यू डील लिखा हुआ होता है वहां पे वो सारे उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो दी गई होती है कि इसके अंदर कितने से कितने परसेंट तक आपको जो वहां पे जो डिस्काउंट है वो मिल रहा है, कितने अंदर जो कितने परसेंट जो बीपी है वो आपको मिल रहा है, तो ये सारा आपको ही मिलेगा। सर इंट्रोडक्शन का 25% कैशबैक आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको कैश के रूप में मिलने वाला है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 लोगों से शॉपिंग करवाते हैं, देन वो उनको कैश के रूप में जो इनकम है वो आनी शुरू हो जाएगी, राइट? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों मुझे आशा है कि मैंने आप सभी का यहाँ पे जो क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। क्वेरीज बहुत सारी है लेकिन फिर भी जो मेन मेन क्वेश्चन है उनको हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। अब लास्ट में प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आपको कीवा डील्स ऐप अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है? प्लीज एक बार लास्ट में अच्छे से इस जो मीटिंग है आज का उसका जो समापन है वो एक अच्छे नोट के साथ करेंगे। क्या आपको कीवा डील्स ऐप के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल चुकी है? तो प्लीज एक बार लास्ट में जरूर बताइए, राइट? स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, जो डाउनलाइंस है, जो न्यू लोग हैं, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है, देन माय डियर फ्रेंड्स आपके जो अपलाइन है, जो आपके लीडर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से मालूम है। स्टिल कोई उसके बाद भी कोई डाउट रहता है, देन आप हमारी सीएससी की जो टीम है उनके साथ यहां पे संपर्क करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों कीवा डील्स ऐप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग बहुत अच्छी तादाद में आ सकती है, आपकी ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अगर आप कीवा डील्स ऐप को प्रमोट करेंगे। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी के अभी लिंक कॉपी कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए। फेसबुक के ऊपर कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, लगभग 230 करोड़ लोग पूरी दुनिया में फेसबुक के ऊपर हैं और हमें कितने चाहिए? कुछ हजार, कुछ हजार। व्हाट्सएप 200 करोड़ लोग व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं पूरी दुनिया में, हमें कितने चाहिए? कुछ हजार। देन माय डियर फ्रेंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट कीजिए, बोनस अचीव कीजिए, रैंक अचीव कीजिए, डेफिनेटली आप और हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कीवा इंडस्ट्रीज का जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में, नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हेल्थ केयर सेक्टर में तेजी से उभरता हुआ नाम कीवा इंडस्ट्रीज। ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कीवा इंडस्ट्रीज, जिन्होंने पर्सनल केयर, होम केयर, वेलनेस, ब्यूटी, फूड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर जैसे कैटेगरीज में 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। इन प्रोडक्ट्स में शामिल है सप्लीमेंट कैप्सूल्स, पाउडर, जूसेस, ड्रॉप्स, हेयर केयर शैम्पू, ऑयल, क्रीम, ओरल केयर प्रोडक्ट्स, खेती में काम आने वाले उत्पाद, पशुओं के लिए प्रोडक्ट्स और ढेर सारे कई उपयोगी उत्पाद। खास बात ये भी है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हर्बल यानी आयुर्वेदिक है, जिनमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल्स का उपयोग नहीं किया गया है।
कीवा इंडस्ट्रीज एक वैध कंपनी है जो भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग मानकों का पूरी तरह से पालन करती है। कीवा इंडस्ट्रीज को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे सर्टिफिकेट्स और पुरस्कारों से नवाजा गया है। कीवा इंडस्ट्रीज एक ऐसा नाम जिन्होंने करोड़ों लोगों को अपने साथ जुड़ने का मौका दिया है, तो आइए आप भी इस भरोसेमंद ब्रांड का हिस्सा बनिए। कीवा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़िए।